बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम दैट इज कॉल्ड CUET. अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो 2023 में मोस्टली यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET के अंदर. जो यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही थी, तो आप ये देख सकते हो UGC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट करके, उन्होंने नोटिस भेज के क्लियरली ये मेंशन किया है कि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज CUET के थ्रू एडमिशन नहीं करा रही थी, उन लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो इस बार 2023 में CUET के थ्रू ही एडमिशन ले. तो ये कन्फर्म हो गया कि लगभग पूरे इंडिया, पूरे हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सारी यूनिवर्सिटीज मोस्टली सभी आ गई हैं CUET के अंडर. CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपका एडमिशन होने वाला है. सो बात कर लेते हैं बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम की, कि इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सा एग्जाम देना सही रहेगा. तो एंट्रेंस एग्जाम बी फार्मेसी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुपर रहेगा CUET. दैट इज कॉल्ड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो कॉमनली एक टेस्ट ले रही है और उसी टेस्ट के थ्रू उन सारी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हैं. अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक साल पहले 2021 में आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते थे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, या फिर आप AKTU का एग्जाम देने जाते थे, तो क्या AKTU का एग्जाम देते हुए जब आपने एग्जाम दिया AKTU का, तो उस टाइम आप कोई और यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते थे? नहीं. लेकिन CUET एक मात्र ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, बट आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को एक साथ टारगेट कर सकते हैं. अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं CUET, तो आप डॉक्टर हरि सिंह गौर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अहिर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं. मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको आप CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो ये एग्जाम होगा इसमें कंडीशन अप्लाइड नहीं होती है लैंग्वेजेस पे. आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग्स आती हैं कि भाई इसके अंदर आप खुद से सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप खुद से अपने कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आप एक साथ BA, BSc, BPharm सारे कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको BA करना है, BSc करना है या BPharma करना है. बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो ये भी आपके लिए ऑप्शन दे दिया. सेकंड थिंग इज दैट इन्होंने ये भी बताया कि भाई जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, तो उस एग्जाम फॉर्म के अंदर अगर आपने BA और BSc सिलेक्ट किया है, बट जब आपने एग्जाम दे दिया, जब आपका रिजल्ट आया, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे BPharmacy करना है, मुझे नहीं करना है BA और BSc, मैं BPharmacy करूंगा, तो उस केस में क्या आपका एडमिशन हो जाएगा उसी स्कोर कार्ड के थ्रू? तो जी हाँ, आपका एडमिशन हो जाएगा उसी पर्टिकुलर स्कोर कार्ड के थ्रू. बस कंडीशन एक रहेगी कि जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट्स लिए थे, पर्टिकुलर वही डोमेन सब्जेक्ट्स क्या BPharmacy में एडमिशन के लिए वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मांग रही थी? अगर आपने सेलेक्ट किया है BSc करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपके पास 12th स्टैंडर्ड में था, और थर्ड आपने फोर्थ यहाँ पे आपने लिया है जनरल टेस्ट, ठीक है, ये चार चीजें आपने सेलेक्ट की थी, तो आपका काम बन गया, क्योंकि जनरल टेस्ट और यही डोमेन सब्जेक्ट्स सारी की सारी यूनिवर्सिटीज मांग रही है BPharmacy कराने के लिए. 90% यूनिवर्सिटीज सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स मांग रही है, 10% यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ जनरल टेस्ट भी मांग रही है. तो वो सारी स्पेसिफिकेशंस, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं वो चेक करके ही आप फॉर्म फिल करें. और ऐसे ही अंधाधुंध होके फॉर्म फिल नहीं करना है. स्टूडेंट्स आते हैं, कॉल भी आते हैं, मैम बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दीजिए, प्लीज़ मैम बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दीजिए. मतलब मैम जो बताएंगी वो आप वहाँ पे लिखोगे, राइट, वो वहाँ पे आप चूज करोगे. क्यों भाई, आपको सब चीज़ें पकी पकाई क्यों खानी है? आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई वो काफ़ी नहीं है? अब आप खुद के लेवल पर रिसर्च करो ना कि आपके लिए कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी. आप खुद के लेवल पे एक बार सर्च करो, आपके कंफर्ट के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आप उसी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना. तो ये सारी चीज़ें आप नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज को, नंबर ऑफ़ कोर्सेज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आपने कोई कोर्स सेलेक्ट नहीं किया है लेकिन आपको उसमें एडमिशन लेना है, वो भी आप ले सकते हो. बस शर्तें ये
यही होगी कि वो डोमेन सब्जेक्ट्स मैच होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, सीयूईटी के इतने सारे फायदे हैं, तो आप लोग ये मौका मत गवाइए, जितना जल्दी हो सके सीयूईटी का फॉर्म फिल कीजिए। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म फिल करने वाला वीडियो देखना चाहते हैं कि बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी का फॉर्म फिल करना, सारे यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं, सब टीचर्स बता रहे हैं, बट बी फार्मेसी के लिए कैसे फिल करना है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अपलोड हो रही हैं, साथ ही साथ हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल पे मात्र 99 रुपए का सीयूईटी का कोर्स है, 99 2000+ एमसीक्यूज के साथ वहां पे प्रिपरेशन हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप जाके विजिट करें। 99 रुपए बहुत कम प्राइस होता है, कॉफी के रेट में आपने ये कोर्स मिल रहा है, ये चीज ध्यान रखो। तो जाके विजिट करो, कोर्स में ज्वाइन करो, देरी मत करो, अब आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज वही बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप में परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हुई, आई होप आपको बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है हमारा चैनल आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें सीयूईटी के रिगार्डिंग या फिर बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।